हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण, मैं आज आपको प्रमेय 6.7 और इस प्रश्नावली अध्याय के कुछ उदाहरण आपको सिखाऊंगा। विद्यार्थियों, आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे प्रमेय 6.7। प्रिय बच्चों, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है, लेकिन आज हम इनको सिद्ध करके बताएंगे कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बहुत ही ये एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है, हालांकि ये सरल है, से आपको मैं जल्दी सरलता से समझा दूंगा और आपको याद भी हो जाएगी, परीक्षा में ये जरूर आती है, इसका अध्ययन जरा ध्यान पूर्वक करना बच्चों। तो देखिए बच्चों, प्रमेय 6.7, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बच्चों, इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। देखो ध्यानपूर्वक, यह हमारा एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। त्रिभुज को हमने क्या नाम दिया, ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज में तीन अंतः कोण होते हैं, इसको नाम दिया एक, इसको नाम दिया दो, इसको नाम दिया तीन। अब कहीं भी एक दो तीन ले सकते हैं, यहां एक, यहां दो, यहां तीन, कहीं भी आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। तो क्या दिया हुआ बच्चों, ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है जिसके तीन अंतः कोण एक दो तीन है, ठीक है। अब किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले दिया है लिखना पड़ता है। दिया है का मतलब है कि हमारे सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। देखो बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, दिया है। अब क्या दिया, देखो ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है जिसके तीन अंतः कोण एक दो तीन है, ये तो दिया हमारे चित्र में, ये आपको लिखना है और याद भी जाएगा आपको। तो लिखेंगे दिया है एक त्रिभुज ए बी सी में तीन अंतः कोण, नाम दिया मैंने एक दो तीन, तो तीन अंतः कोण यानी त्रिभुज के अंदर वाले कोण कौन कौन से हैं, कोण एक, कोण दो तथा कोण तीन है। दिया है एक त्रिभुज एबीसी, कौन सा त्रिभुज दिया है, एबीसी। अब एबीसी में तीन अंतः कोण एक दो तीन, ये हमारे इस सवाल में या चित्र में दिया है। अब दूसरी बार भी लिखते सिद्ध करना है, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं सिद्ध करना है। तो दिया है ये भी प्रश्न से लिखेंगे, सिद्ध करना है ये भी प्रश्न में से हम छाटेंगे। क्या सिद्ध करना है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमारे दिया है भी क्या लिखा, हमने तीन अंतः कोण कौन कौन से दिए चित्र में, एक दो तीन, और तीनों अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है कोण एक,
प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर 180 डिग्री, ये हमको सिद्ध करना है। आप इसको बंद कर दो, और सुंदरता है इसमें, ये हमको सिद्ध करना है। अब बच्चों कभी कभी किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें रचना की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रमेय को तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करेंगे। अब रचना क्या करेंगे, हम इस ए बिंदु से बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ए बिंदु से बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, तो ये भी आप याद हो जाएगा रचना। ए से ध्यान देना बीसी के समांतर एल, कोई भी नाम दे देना, एल रेखा खींची। अब आप ध्यान दीजिए ये बीसी रेखा है, ए बिंदु से हम एक रेखा खींचेंगे इसे, ये किस रेखा का नाम दे दिया मैंने एल। तो यह एल रेखा किसके समांतर है, बीसी के। तो ऐसे बीसी समांतर एल रेखा खींची तथा जैसे हम बीसी रेखा के समांतर एल रेखा खींचेंगे तो त्रिभुज के बाहर एक कोण इधर बन जाएगा और एक कोण इधर बन जाएगा। ये हमारा त्रिभुज एबीसी है, जैसे अपन ये एल रेखा बीसी के समांतर खींचेंगे तो बाहर की तरफ ये दो कोण बन जाएंगे, इन्हें बहिष्कोण कहेंगे। त्रिभुज के बाहर बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे, बहिष्कोण। अंदर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, अंतःकोण। इनको नाम दे देंगे, मान लो इसको नाम दिया चार, इसको नाम दिया पांच। तो ऐसे बीसी के समांतर एक रेखा खींची तथा बहिष्कोण चार तथा पांच अंकित किया। अंकित का मतलब हमने लिखा, अंकित किया। ये हमने ए बिंदु से एल समांतर बीसी खींची तो ये बहिष्कोण चार और पांच बन गए। अब हम इसको उपपत्ति लिखेंगे चौथी स्टेप में। ये जरा ध्यान से समझना, ये आपको दिया है सिद्ध करना है, प्रश्न में से दे दे के लिखना क्या दिया है। एबीसी में अंतःकोण एक दो तीन दिया है, सिद्ध क्या करना है, इन तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। रचना आपको सिखाई दी, उपपत्ति। अब उपपत्ति देखो आप, हमारी ये एल रेखा है, एक रेखा है, इस पर कोण चार एक पांच तीनों बन रहे हैं, तो इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। हम लिखेंगे रेखा एल पर तीन कोण, कौन कौन से, कोण चार, कोण एक, कोण पांच बनते हैं, बन रहे हैं। इस रेखा पर ए बिंदु पर देखो कोण चार कोण एक कोण पांच बनते हैं। अब हमने आपको सिखाया था एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे यहां पे इसलिए कोण चार प्लस कोण एक प्लस कोण पांच बराबर 180 डिग्री। हम लिखेंगे यहां पे कोण चार प्लस कोण एक प्लस कोण पांच बराबर 180 डिग्री। ये हमारी समीकरण नंबर एक होगी। अब इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों हुआ, इसका मैं जवाब लिख रहा हूं, क्योंकि हमारे रेखीय कोण युग्म है। ये तीनों कोण कैसे हैं, रेखीय कोण युग्म है। रेखीय कोण युग्म क्या होते हैं, एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप देखो बच्चों ये एल किसके समांतर है, बीसी के, क्योंकि एल समांतर किसके हैं, बीसी तथा तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा कौन सी, एक तो ये एबी और एक एसी, एबी तथा एसी
इन्हें काटती है। ये एल बी सी के समांतर है और ये तिर्यक रेखा और ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण बन जाते हैं, अर्थात ये कोण चार और कोण दो कैसे बन जाएगा, एकांतर कोण। कोण पांच और तीन कैसे बन जाएंगे, एकांतर कोण। तो एल समांतर बीसी तथा तिर्यक रेखा एबी तथा एसी ने काटती है, इसलिए कोण चार किसके बराबर होगा, कोण दो के। ये समीकरण नंबर हमारी होगी दो। और क्या बन जाएगा हमारे पास, कोण पांच बराबर कोण किसके हो जाएगा, तीन के। ये हमारी समीकरण नंबर होगी तीन। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, एकांतर अंत है कोण, और ये भी क्या है हमारा एकांतर अंत है कोण। अब देखो बच्चों, हमारे पास समीकरण एक में कोण चार भी है, दो में भी चार है, समीकरण एक में कोण पांच है और तीन में पांच है। तो समीकरण एक में देखो ये दो और तीन से चार वाला मान दो, पांच वाला मान तीन हम एक में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण दो व तीन से कोण चार तथा कोण पांच का मान समीकरण एक में रखने पर। अब देखो एक में रखेंगे हम कोण चार, तो चार की जगह हम क्या रख देंगे, दो प्लस कोण एक कोण पांच, और पांच की जगह हम क्या रख देंगे, तीन। इस पांच की जगह तीन रख देंगे बराबर 180 डिग्री, या इसको क्रम से दो, एक दो तीन, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर 180 डिग्री। तो एक दो तीन इन तीनों का जोड़ कितना प्राप्त हो गया, 180 डिग्री प्राप्त हो गया, और यही हमको सिद्ध करना था। तो ये प्रमेय आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आएगी बेटा। अब हम इसके बाद में एक उदाहरण सीखेंगे। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर सात, हमारे पास ये एक आकृति बनी हुई है। इस आकृति में क्यू टी लंब पी आर, ये क्यू टी लंब पी आर है, अर्थात ये क्यू टी और पी आर परस्पर इस टी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो क्यू टी लंब पी आर है, कोण टी क्यू आर, जो टी क्यू आर ये 40 डिग्री का है। एस पी आर, एस पी आर ये हमारे पास 30 डिग्री का है। तो एक्स तथा वाई के मान हमको ज्ञात करने हैं, बच्चों को एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो कैसे लिखेंगे, यहां से लिखेंगे शुरुआत, क्योंकि क्यू टी लंब किस पर है, पी आर, इसलिए ये टी क्यू टी आर कोण क्यू टी आर बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। क्यू टी ये रहा क्यू टी, इस पी आर पर लंब है, अर्थात ये टी कोण कितनी डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। अब देखो बच्चों, हमारा त्रिभुज है क्यू टी आर, त्रिभुज क्यू टी आर में तीन कोण हो गए, इस कोण का नाम क्या हमारे पास में, टी क्यू आर, कोण टी क्यू आर। अब इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम हमारे पास है क्यू टी आर, प्लस इस कोण का नाम क्या है हमारे पास में बताइए, टी आर क्यू, कोण टी आर क्यू, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए टी क्यू आर। तो देखो टी क्यू आर का मान हमारे पास में कितना दिया है, यहाँ पे 40 डिग्री, इस टी क्यू आर का मान 40 डिग्री है, तो लिख देंगे 40 डिग्री। और कोण क्यू टी आर, क्यू टी आर मेरा क्यू टी आर का मान कितना है, 90 डिग्री, और टी आर क्यू, टी आर क्यू का मान एक्स बराबर 180 डिग्री, इसलिए ये हो जाएगा 40 और 90 130 डिग्री प्लस एक्स
बराबर 180 डिग्री। इसलिए अब इसका हो जाएगा पक्षांतरण, तो x बराबर 180 माइनस 130, तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा, 130 गया तो 180 से 130 गया 50 डिग्री, ये x का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो बच्चों ध्यान समझो, इस x का मान कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री। अब देखो फिर पी एस आर में ये बहिष्कोण है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी एस आर में, ध्यान देना बहिष्कोण बन गया, कौन सा ये बहिष्कोण वाई बन गया, तो बहिष्कोण वाई किसके बराबर होगा, दो अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर। ये वाई है, देखो पी एस आर ये हमारा त्रिभुज है पी एस आर, इसके ये तो अंत है कोण अंदर और बाहर क्या बन गया वाई, तो पी एस आर में ये वाई क्या है बहिष्कोण, इसका मान किसके बराबर होगा, इन दो अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर, सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर। तो लिखेंगे x प्लस 30, इसलिए y का मान होगा, x का मान हमने अभी ज्ञात किया था 50 डिग्री, तो x की जगह लिखेंगे 50 प्लस 30, इसलिए y बराबर होगा 80 डिग्री। तो हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद बच्चों उदाहरण नंबर 8 सीखेंगे। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 8, हमारे पास एक आकृति है, ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी भुजा को ई तक और ए सी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है, तथा आकृति में कोण सी बी ई, मेरा सी बी ई यानी यहां से लेके ये कोण, तथा कोण बी सी डी, बी सी डी मेरा बी सी डी ये कोण, तो ये कोण और ये कोण इनके समद्विभाजक कर्म से बीओ, ये बीओ तो कोण क्या कर रहा है, ये बीओ रेखा क्या कर रही है, इस कोण को दो भागों में बांट लिया, आधा भाग इधर आधा भाग इधर, और इस सीओ रेखा क्या कर रही है, इस कोण को आधा भाग इधर में समद्विभाजक कर रही है, आधे आधे भागों में बांट रही है। सिद्ध कीजिए कि कोण बीओसी, बीओसी ये रहा कोण बीओसी, बीओसी यानी बीओसी पर ये कोण, इस कोण का मान किसके बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण बीएसी, बीएसी तो 90 माइनस 1/2 बीएसी, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों कहां से करेंगे हम यहां से करेंगे, बीओ और सीओ ये दोनों कोणों का संधिभाजक है, तो ये बीओ तो किसका संधिभाजक है, सीबीई का, और सीओ किसका संधिभाजक है, इस बीसीडी का, तो पहले हम यहां से करेंगे, देखो जो कि बीओ कोण सी बी ई का संधिभाजक है, कहा समद्विभाजक है, इसलिए अब आप ध्यान देना ये बीओ हमारा कोण किसका संधिभाजक है, सीबीई का, सीबीई का संधिभाजक है, इसलिए आप ध्यान देना बच्चों ये हमारा सीबीओ कहां से लेके सीबीओ, ये कोण किसका हो जाएगा, इस सीबी का हो जाएगा, ऐसे समझ में, तो अच्छे समझना, इसलिए कोण सीबीओ, सीबीओ बराबर होगा 1/2 कोण सीबीई, यानी ये सीबीओ, सीबीओ ये कोण किसका होगा, इस पूरे का आधा, इस पूरे का आधा इधर आधा इधर है, तो इस कोण का मान ज्ञात कर रहे हैं, सीबीओ का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो कैसे क्या करेंगे, इसका मान हो जाएगा 1/2 सीबीई। अब आप ध्यान देना, इसलिए कोण सीबीओ बराबर होगा 1/2, अब ध्यान देना सीबीई का मान कितना होगा, सीबीई का मान ये यहां से लेकर पूरा कोण कितना, 180 डिग्री का, अब ये दोनों आधे आधे हैं, तो 180 से पहले कितना कम करेंगे, ये वाई, इस पूरे 180 में से वाई कम कर देंगे फिर आधा कर देंगे, तो सीबी का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई, तो सीबीओ का मान हो गया 1/2 180 माइनस वाई हो गया, ऐसे समझ में आओगे, अब आप ध्यान देना, इसलिए कोण सीबीओ बराबर होगा 180 का आधा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, देखो इसको ऐसे करते हैं, ये 1/2 है 180 माइनस वाई, तो 180 में भी किसका भाग देंगे, 2 का,
180 में भी दो का भाग देंगे और वाई में भी दो का भाग देंगे हम। तो देखिए ये तो हो गया 90 और ये हो गया वाई बटा दो, तो 90 माइनस वाई बटा दो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर एक। अब इसी प्रकार देखो, ध्यान देना, इसी प्रकार हम किसका पता कर लेंगे, जिस प्रकार सी बी ओ का पता किया 180 माइनस वाई, ये एक बड़ा था 180 माइनस वाई हो गया, इसी में इस कोण का पता करेंगे। अब इस कोण का नाम क्या है, बीसीओ, कोण बीसीओ बराबर होगा एक बटा दो कोण 180 माइनस जेड, क्योंकि इन तीनों का जोड़ कितना होगा 180, 180 माइनस जेड यानी वाई, यहां पर हमने वाई घटाया तो यहां हम जेड घटाएंगे 180 माइनस जेड, तो ये हो जाएगा कोण बीसीओ बराबर 180 दो का भाग दिया 90 और जेड दो का भाग दिया जेड बटा दो, तो ये हो गया समीकरण नंबर दो हो गया हमारे पास में। अब आप देखिए ध्यान से, हम बीसीओ का मान ज्ञात कर लिए, इसी प्रकार अब ऊपर वाला त्रिभुज हमारे पास नहीं है बी, ये एबीसी, एबीसी का मान हम ज्ञात कर लेंगे, इसलिए त्रिभुज एबीसी में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा 180 डिग्री। आप अच्छे से समझना, हमारे पास में ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 180 डिग्री, या हम तीनों कोणों का नाम लिख सकते हैं, ध्यान देने तीनों कोणों का नाम लिखेंगे हम एबीसी में, ए हमारे पास बीओसी में, ये देखो बीओसी में तीन कोण हो गए, कोण बी सी ओ, तो कोण बी इस बी का नाम क्या होगा सीबीओ, इसका नाम क्या होगा बीओसी, इसका नाम क्या होगा बीसीओ बराबर 180 डिग्री। अब आप ध्यान रहे सीबीओ, ये हमारे पास ध्यान रहे सीबीओ का मान हमने ज्ञात कर लिया, ये रहा, तो ये लिखेंगे 90 माइनस वाई बटा दो और बीओसी का मान हमें ज्ञात करना है, ये वैसा का वैसा, और बीसीओ, बीसीओ का मान ये रहा 90 माइनस जेड बटा दो बराबर 180। अब आप ध्यान दीजिए ये 90 180 हो गया, ऐसे समझ में, तो ये 180, अब देखो यहां से प्लस कोण बीओसी बराबर 180, अब ये वाई बटा दो और माइनस का जेड दोनों उधर जाएंगे तो प्लस का बन जाएंगे, वाई 180 से 180 कट गया। तो देखो बाकी बता रहा हूं मैं आपको, क्या बच गया हमारे पास में, इधर बच गए बीओसी बराबर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा ये वाई प्लस जेड बटा दो, ये हमारे पास बच गया समीकरण नंबर तीन। अब देखो हमारे पास त्रिभुज एबीसी है, इसमें हमें दिया हुआ था एक्स, इन तीनों को जोड़ेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होता है 180। अब देखो ध्यान से, ये वाई प्लस जेड हमारे पास में, तो वाई प्लस जेड का मान क्या करेंगे हम, इसलिए वाई प्लस जेड का मान क्या करने के लिए 100 हो जाएगा पक्षांतरण 180 माइनस एक्स, आई बात समझ रहे हो आपके, ये 180 माइनस एक्स हो गया हमारे पास में। अब देखिए y प्लस जेड, ध्यान देना, देखो बेटा अब हमारे पास है त्रिभुज एबीसी में हम y प्लस जेड का मान ज्ञात करेंगे तो x का हो जाएगा पक्षांतरण। अब देखो यहां पे हमारे पास है, अच्छे से समझना, ये y प्लस जेड का मान कितना प्राप्त हो गया 180 माइनस एक्स, ये मान लो हमारे पास समीकरण नंबर क्या बन गई 4। अब देखो यहां पे ये y प्लस जेड लिखा है और यहां भी y प्लस जेड लिखा है, तो y प्लस जेड का मान कितना प्राप्त हुआ 180 माइनस एक्स, ये मान उठाकर किस तरह देंगे 3 में, तो समीकरण 3/4 से ये कोण बीओसी वैसा का वैसा बराबर 1/2 कोष्ठक में 180 माइनस एक्स,
y प्लस जेड का मान 180 माइनस एक्स है, तो हमने y प्लस जेड का मान क्या रख दिया 180 माइनस एक्स। फिर देखो इसलिए कोण BOC बराबर, अब देखो 180 में भी दो का भाग देंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री, और x में भी दो का भाग देंगे तो ये आ गया x बटा दो। 180 में दो का भाग दिया 90 डिग्री और x में दो का भाग दिया x बटा दो। फिर देखिए आप समझिए कोण BOC बराबर 90 डिग्री माइनस, अब x हमारे पास x तो ये लिखा है x का पूरा नाम क्या है BAC, x कोण है किसका मान है BAC, तो इस x की जगह लिखेंगे कोण BAC और ये लिखेंगे 1 बटा दो। तो देखो x बटा दो का मतलब है 1 बटा दो x, इस x बटा दो को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा दो x लिख सकते हैं, 1 बटा दो x हम लिख सकते हैं। तो देखो 1 बटा दो का 1 बटा दो आ गया और x x इसका मान था BAC कोण का, तो आगे हमें देखो 180 में दो का भाग दिया 90 डिग्री और x में दो का भाग दिया तो 1 बटा दो x 90 का 90 आ गया माइनस 1 बटा दो, अब x का मान दिया BAC और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, ये आज एक प्रमेय और दोनों उदाहरण आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे।